कटरीना कैफ भी मिस से मिसेस बन गई हैं। बार्बी डॉल ने शादी कर ली है और कटरीना की शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो सोच रही हैं अब हम भी अपनी शादी में कुछ ऐसे ही पोज देंगे। हल्दी सेरेमनी की बात करें, मेहंदी सेरेमनी की बात करें, लटके झटकों की बात करें या दुल्हन की तरह शर्माने की बात करें, कटरीना कैफ नेल्ड इट इन एवरी पॉसिबल वे। खैर, कटरीना कैफ की शादी हो गई है और आप सब जानते हैं इंडस्ट्री में कोई भी सितारा शादी के बंधन में बंधता है। अगला सवाल सोशल मीडिया पर यही पूछा जाता है, इन्होंने भी कर ली, सलमान खान कब करेंगे? बार्बी डॉल की शादी के दौरान सलमान खान का नाम काफी ज्यादा चर्चा में रहा और वो इसलिए भी क्योंकि कटरीना और सलमान की हिस्ट्री जो रही है। खैर, काफी कयास लगाए जा रहे थे कि शादी के दौरान सलमान खान जरूर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडस्ट्री के कम ही लोग थे जो इस वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा बने और सलमान खान तो बिल्कुल नहीं बने। खैर, सलमान खान की शादी को लेकर चर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस ने दबंग खान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। हालांकि सलमान खान पर तो लाखों हसीनाएं फिदा हैं, इंडस्ट्री की भी और आम हसीनाएं भी, लेकिन सलमान खान का दिल इतनी आसानी से किसी पर आता नहीं है। अब ये कौन सी हसीना है जिन्होंने दबंग खान से कह दिया है मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे? क्या है पूरी इंफॉर्मेशन अपनी खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको देंगे, सुनिए जरा। ग्लैमर की दुनिया में एक बार फिर से वेडिंग सीजन सच आ गया है। कटरीना विकी कौशल अंकिता लोखंडे विकी जैन के शादी के बंधन में बंधने के बाद चारों तरफ लोग कर रहे हैं यही सवाल, क्या इस बार के वेडिंग सीजन में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान शादी करेंगे? चारों तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार के वेडिंग सीजन में सलमान खान के दुल्हा बनने के आसार जरा भी हैं। खैर, सलमान खान की शादी को लेकर चर्चे हमेशा से ही होते हैं और अब इन चर्चों के बीच में आ रही है खबर, सलमान खान को टीवी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। जी हाँ, टीवी की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं अनीता हसनंदानी, जिन्होंने सलमान खान के साथ अपनी शादी को लेकर कह दी है बात। दरअसल अनीता हसनंदानी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो में वो काफी खास अंदाज में सलमान खान को प्रपोज कर रही हैं। इस वीडियो में अनीता ने सलमान खान की काफ़ी सारी फोटोज लगवाई हैं और वो बार बार बच्चों की तरह बोल रही हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अनीता हसनंदानी का ये वीडियो तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो के कैप्शन में अनीता लिखती हैं, सॉरी बेबी रोहित बेटी, मुझे इस साल एक ईमानदार रील बनानी थी। अनीता के इस वीडियो पर सलमान खान की फीमेल फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोग कह रहे हैं, मैं भी सलमान खान की फैन हूँ और आपकी वीडियो देखकर मुझे जलन हो रही है। आपको बता दें, अनीता हसनंदानी टीवी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। रोहित रेड्डी के साथ साल 2013 में उन्होंने शादी की। साल 2021 में एक बेहद प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया। मां बनने के बाद अनीता ने अपने काम से ब्रेक लिया लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखा और अब अनीता हसनंदानी ने बेहद क्यूट अंदाज में सलमान खान को प्रपोज कर दिया है। जैसे ही अनीता ने सलमान खान को प्रपोज किया, दबंग खान के फैंस अनीता के अंदाज को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। दबंग खान के फैंस को अनीता हसनंदानी का ये क्यूट प्रपोजल काफी पसंद आया और उन्होंने अनीता की तारीफों के पुल सोशल मीडिया के जरिए बांध दिए। खैर, अगर आपने अनीता का ये वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएं और ये वीडियो ज़रूर देखें।